राधे राधे। आज मैं बाटी बनाने जा रही हूँ, उसके लिए ये सब सामान की जरूरत है। तो इसमें मैंने 2 कटोरी आटा लिया है, 4 चम्मच मैंने बेसन लिया है, 4 चम्मच रवा लिया है, नमक लिया है तो 1 चम्मच, 1 चम्मच अजवाइन ली है, और ये मैंने थोड़ा सा रिफाइंड लिया है। अब मैं आटा मारने जा रही हूँ। इसमें मैं नमक डाल रही हूँ, अजवाइन, ये बेसन, रवा, ये आधी कटोरी रिफाइंड डाल रही हूँ मैं। इसको अच्छे से मिला लेंगे। देखिए इतना मोहन डालना है क्योंकि ऐसा लड्डू सा बनने लगता है। थोड़ा हल्का हल्का पानी पड़ेगा, ज्यादा नहीं पड़ेगा। आटा थोड़ा सा सख्त लगाना है। देखिए फ्रेंड्स, आटा लगकर तैयार हो गया है। ये देखिए ऐसा इतना कड़ा आटा मारा है। इसको मैं 15 मिनट के लिए ढक के रख देती हूँ। इसको मारने के लिए सिर्फ आधे कटोरी की पानी लगा है मेरा सिर्फ। 15 मिनट बाद मैं फिर बाटी बनाना शुरू करूंगी, तब आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये आटा लग के मेरा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है। अब मैं इसकी जो है बाटी बनाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि रवा डालते हैं तो बाद में आटा कड़ा हो जाता है, तो उसको आप पानी लगा के तो हल्का सा गीला कर सकते हैं। मेरी बाटी बनकर तैयार हो गई है। अब इनको मैं सेलो फ्राई करूंगी। ये कुकर में मैं 2 बड़ी चम्मच घी डाल रही हूँ। बस इसको तली में ही थोड़ा सा घी देना चाहिए, ज्यादा नहीं। बाटी बनकर तैयार हो गई है, और देख आप बनाइए, खाइए और बताइएगा कमेंट करके जरूर कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी।